तो भाई पहले तो माफ़ी मांगता हूँ उन लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, और जिनको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती ना उनको भी दिल से माफ़ी मांगूंगा यार। मुझे माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो गई, अगर मैंने कुछ गलत कहा वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना भाई। आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है ना थोड़ा सेंसिटिव है, ये आजकल जो रेप हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है उस चीज़ के ऊपर है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा गौर से सुनना, और अगर सही लगे मेरी बात बात तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये सही है, और कुछ गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि तुमने ये गलत कहा है। प्लीज़ भाई आपसे, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो अभी वीडियो देख रहा है, प्लीज़। कितनी घटिया चीज़ है ये हवस काम वासना। और भी कुछ जो मुझे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं भाई, एक पॉइंट मैं अलग सा ले रहा हूँ, ठीक है, माफ़ करना अगर यार बुरा लगा हो तो। ठीक है, बुरा क्यों लगेगा भाई, सबको अच्छा ही लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, सबको गुस्सा आएगा, सॉरी गुस्सा भी आएगा। ऐसे जो न्यूज़ सुनने को मिलते हैं ना रेप वेप के, अभी सुनने को मिले मुझे, उससे एक ऐसी गुस्सा आती है और दिल इतना मतलब मुरझा जाता है एकदम से। मतलब क्यों हो रहा है यार ये सब, आप लोग समझ नहीं सकते क्यों हो रहा है सब। ये सब इन्हीं चीज़ों की वजह से तो बढ़ रहा है, जो हम लोग पोर्न देखने में इतना डूब चुके हैं, उनके दिमाग में ऐसे बैठ चुका है ना ये चीज़ें, पोर्न वोन सेक्स जो भी कुछ चीज़ करना है, रेप वेप करते हैं वो लोग, इन चीज़ों से ऊपर आते हैं, सेक्स से पोर्न से। उनके मानसिकता ऐसी हो जाती है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की को जितना भी दर्द दे दे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी न्यूज़ें सुनने को मिलती है तो यार ऐसा लगता है यार जीने का क्या मकसद यार, ऐसे मतलब इतनी गंदी तरीके से बिहेव किया जा रहा है लड़कियों के साथ यार। इतनी हावी हो चुकी है ऐसी चीज़ें यार, इतनी हावी हो गई है, ये सच बता रहा हूँ, ये सब इन्हीं चीज़ों की वजह से हुआ है। जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है मतलब लड़कियों के साथ रेप करना जबरदस्ती, मतलब यार हद है यार, मैं क्या बोलूँ यार। बस मैं इतनी कहना चाहूँगा कि यार प्लीज़ प्लीज़ ये सब अपनी ज़िंदगी से हटाओ, पोर्न अश्लीलता जितनी भी चीज़ें हैं, फोटोज़ भी मत देखना कभी भी किसी चीज़ की लड़कियों की। एक आदत बनाओ यार लड़कियों की इज्जत के लिए, एक आदत बनाओ कि मैं लड़कियों की इज्जत करूँगा, लड़कियों से दूर रहूँगा। और भाई दूसरी बात तो ये कहना चाहूँगा ना यार कि ये जो रेपिस्ट होते हैं इनको कानून के हवाले नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आपको पता है कितनी लंबी सज़ा निकल जाती है, आराम से जेल में काट रहे वो लोग बिना किसी सज़ा के। कितने रेपिस्ट को यार सज़ा मिलते 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 मिलते, जो जिनके साथ रेप हुआ जिन लड़कियों के, उनके ख़ानदान को मतलब उनका दर्द भी ख़त्म हो जाता है, वो लोग खुद ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, बट इन लोगों को सज़ा नहीं मिलती। यार इतना दर्द होता है ना ऐसे न्यूज़ सुनता हूँ, जब देखते हैं ना, अगर देखेंगे तो यार कितना दर्द होगा, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जो रेप कर रहे हैं। इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो जाती है यार, मैं क्या बताऊँ यार। मतलब हम लोग सुनते तो हमको इतना बुरा लगता है, इतना दर्द होता है, बट इनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो इंसान नहीं है क्या, ये भी तो लड़के हैं, ये भी तो एक किसी के माँ के बेटे हैं ना, ये भी तो अपने, इनके भी तो पापा है, मम्मी है, भाई बहन कोई तो होगा। चलो अनाथ हो तुम्हारी, कम से कम फीलिंग तो है, तुम्हारे अंदर समझ भी नहीं है कि किस लड़की के साथ किस कैसा बिहेव करे, क्या करना है नहीं करना है, ऐसा मतलब यार। तो इस चीज़ को हमें कंट्रोल करने के लिए ना आगे जाके, इसीलिए हमें नो फैप का पालन करना है, आप लोग समझ ही रहे। और ये जानवर अंदर से किसका जग जाए किसी को नहीं पता, जो पॉर्न में डूबा हुआ है, जो अश्लीलता में डूबा हुआ है ना, अभी अभी ठीक लग रहा है तुम्हें कि तुम बस देख रहे हो, कब जानवर तुम्हारा मतलब क्या बताऊँ अंदर से वो कर देगा ना तुम्हें, ख़त्म कर देगा कि बस कर ले अब जो लड़की मिल रही, पकड़ और ये कर वो कर। छोटी बच्ची तो कहीं छोड़ते पता है ना आपको, यार मैं क्या बोलूँ। बस यही कहूँगा कि यार अभी जो रेप हुआ है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस उनको सज़ा मिले तो उसी टाइम एनकाउंटर करना है तो उसी टाइम मार दो पुलिस वालों को ना, उसी टाइम गोली मार देनी चाहिए वहाँ पर पकड़ के ही, या फिर पब्लिक के हवाले कर दो, वो लोग कर देंगे जो करना है, या फिर उसी दिन सज़ा देनी है तो उसी दिन फांसी दो जिस दिन पकड़ते हो। पता तो है हमने रेप किया उस लड़के ने, अगर पकड़ लिया है उन लड़कों को तो हमें पता है ना पकड़ लिया है सब कुछ है, तो फिर सज़ा क्यों देना, सीधा की सीधा फांसी दे दो ना, इतने सालों की सजा दे देंगे, मुकदमा होगा, ये सब क्या है। अब मैं मेरे बोलने से कुछ होगा भी नहीं, पता नहीं इतने लोग आवाज़ उठाते हैं, किसी की कोई नहीं सुनता, कानून अपनी करता, तो क्या बोलूँगा यार। बस यही कहना चाहूँगा कि यार प्लीज़ 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 जो भी है ना
जो भी नोफैप कर रहा है बंदा एक चीज ध्यान रखे कि वो इस चीज को आगे पहुंचाए, नोफैप को ना आगे तक पहुंचाए। सबसे मेन टॉपिक है नोफैप को आगे तक पहुंचाए, हर किसी को बोले, और जो छोटे हैं मतलब जो 12 13 14 साल के, उनको भी समझाए बॉडी उनकी कैसे डेवलप हो जाएगी अलग तरीके से अगर वो इस चीज ब्रह्मचार्य को अपनाएंगे, लड़कियों से दूर रहेंगे थोड़ा। अगर उनके दिमाग से अभी से भरेंगे ना हम लोग, तो वो 18 की उम्र तक आते आते वो बहुत चीज़ समझ जाएंगे और उस चीज़ का पालन करेंगे वो लोग नोफैप का। और पता नहीं कब ख़त्म होगा ये सब यार, ये रेप वेप, ये पोर्न जब बैन हो गया है तो अच्छी तरीके से बैन भी नहीं होगा, सब कोई ना कोई वीपीएन लगा के कुछ ना कुछ चला के देख रहा है और रेप करे जा रहा है यार, पता नहीं। और क्या क्या देखने को बाकी रह गया यार, ये इतना इतना अब मुझे लगा था कि अब ये कम हो चुका है, अब नहीं होगा, अचानक से कोई ना कोई न्यूज़ आ गया कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर ये वीडियो ना बनती हो, जो बंदा वीडियो बना रहा है ना बीच में बैठ के, अगर वो वीडियो ना बना रहा हो और रेप हो रहा हो तो हमें पता चलेगा, नहीं पता चल रहा हमको, ऐसे कितने हो रहे होंगे यार। जब सोचता हूँ तो यार मतलब ऐसा मतलब बंद एकदम से सब कुछ हाथ पर बिल्कुल बंद हो जाता है एकदम से यार, क्यों यार जीने क्यों नहीं देते किसी लड़की को, क्या बिगाड़ा क्या तुम्हारा उसने। तो भाई बस माफ़ करना भाई यार, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मेरी बातों से यार, मैं मेरी बिल्कुल माफ़ करना भाई, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, फैमिली के साथ वक्त गुजारो यार, ये सिचुएशन बहुत ख़राब है, पता नहीं आगे कैसा सिचुएशन आएगा, अभी तो कुछ किसी को नहीं पता, ठीक है। तो बस यही कहूँगा कि यार अपना ध्यान रखो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, सबको रोको गलत काम करने से, रोको हर किसी को जितना हो सके तुम उतना करो, हाथ में उठाना किसी के ऊपर, बस अपने मुंह से एक मीठी वाणी बोल के ना अट्रैक्ट करके सबको एक अच्छे रास्ते में ले जाओ, बस गलत रास्ते को छुड़वा के उनका अच्छे रास्ते में ले जाओ उनको। बस भाई तो मिलते हैं अगली वीडियो में 29वें दिन के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।